कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब मजे में होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हम जा रहे हैं देवांश के स्कूल। कहाँ जा रहे हैं देवांश? स्कूल। स्कूल जा रहे हैं देवांश के, पेरेंट्स मीटिंग है। तो चले देवांश। हाँ। हाय कर दिया? हाँ। बोल दे कि वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में बने रहिएगा। और अगर मेरी मम्मी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। कैसे करते हैं? लाइक कर देना। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्कूल से आ गई हूँ मैं। और स्कूल से आने के बाद दोनों बच्चों को मैं कोचिंग भी छोड़कर आ गई हूँ। तो अभी कोचिंग चले गए दोनों बच्चे। और अब चलिए करते हैं काम। तो सबसे पहले ऊपर छत पे जाऊंगी, कपड़े लेकर आऊंगी, क्योंकि सुबह कपड़े धोकर डाले थे ना, तो लेकर नहीं आई थी। तो अब चले कपड़े लेकर आते हैं पहले। तो आज तो इना ज़्यादा कपड़े धुले नहीं है, क्योंकि कम ही धोए थे कपड़े। कल धो दिए थे मैंने ज़्यादा, तो कल स्वेटर वगैरह सब धो दी थी। तो बस आज ज़्यादा नहीं निकले कपड़े। देखिए फ्रेंड्स, थोड़े से कपड़े निकले हैं, तो बस वो भी धो दिए थे। क्योंकि फिर है ना, थोड़े थोड़े करके भेले करते जाओ तो फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर वो भी हमें ही धोने पड़ते हैं। इसलिए मैंने थोड़े से कपड़े थे तो भी धो दिए थे सुबह। और कपड़े धोने के बाद में फिर मैंने दिन का काम किया। उसके बाद फिर मेरी बेटी भावना आ गई थी स्कूल से, तो फिर हम चले गए थे देवांश के स्कूल। और यहाँ पे देखिए, पास वाले भाभी बातचीत कर रहे थे, तो बस मैं उनसे बात कर रही थी। तो भाभी से बात करने लग गई थी। भाभी बोल रहे थे, आजकल क्या बात है, बहुत व्यस्त रह रहे हो, दिख नहीं रहे हो। तो मैं उनसे बोल रही, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठंडा मौसम था तो बस छत पर ज़्यादा आने का काम नहीं पड़ा, इसीलिए अब धूप आ गई है ना, तो अब छत पर आते हैं। तो बस वो उनका काम करके चले जाते हैं, मैं मेरा काम करके चले जाते हैं, तो बस इसलिए दिख नहीं रहे थे, तो बोल रहे थे भाभी। और कपड़े लेकर मैं फिर नीचे आ गई हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब किचन में चलते हैं, तो बना लेते हैं खाना। तो खाना में ना, ये मटर फली रखी है मैंने, और मटर फली आप देख सकते हो कैसी हो गई है। तो बस मटर फली ऐसी आने लग गई है। तो यहाँ पर मटर फली के दाने निकाल लूँगी मैं। और ये आलू लेकर आई हूँ हस्बैंड जी से। आज है ना, वो सब्जी की गाड़ी लेकर गए थे, तो मैं सब्जी निकालना ही भूल गई थी, तो फिर थैले पर गई थी और वहाँ से लेकर आई हूँ आलू। तो ये आलू मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। और जैसे कि आपको थंबनेल के हिसाब से पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो बस मैं आलू बड़े बनाने वाली हूँ। अभी मटर है ना आ रहे हैं, तो मटर है जब तक बना ले, तो अभी ज़्यादा ही मटर आ रहे हैं, तो मैंने है ना आज बस आलू बड़े बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए, मटर के दाने निकाल लिए हैं मैंने, तो अब मिर्ची और धनिया कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हरी मिर्ची रखी थी मैंने, तो बस हरी मिर्ची कट कर रही हूँ, और प्याज भी कट कर लूँगी। तो बस ये उसी के लिए, आलू बड़े के लिए सब्जियाँ तैयार की है मैंने। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, आलू हमारे उबल गए थे तो मैंने बारीक कर लिया आलू को भी छिल कर। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में तेल रख दिया है, तेल में जीरा राई डाल दिया है, और उसके बाद प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद हरी मिर्ची डाल दी है, और फिर है ना मीठा लीम रखा था, तो बस मीठे लीम के पत्ते डाल दिए थोड़े से, इससे है ना टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो बस इसीलिए मीठा लीम डाल दिया। मीठा लीम ज़रूरी नहीं होता है, होता है तो डाल देती हूँ, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। तो बस अभी था मेरे पास तो मैंने डाल दिया। उसके बाद मटर के दाने डाल दिए। मटर के दाने डालने के बाद दाने हमारे थोड़े से गल गए हैं तेल में। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला, ये सब डाल दिए है मैंने, और थोड़ा सा नींबू का सट डाला है मैंने खटास के लिए, तो टाटड़ी बोल सकते हो, तो बस ये डाला है मैंने खटास के लिए। और फिर देखिए, मिर्ची हमारी थोड़े ऐसे ही हिला दिए है, मिर्ची पक गई। उसके बाद आलू डाल रही हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला है, बिल्कुल भी नहीं डाला है। वो जो गीला गीला मसाला रहता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एकदम आलू बड़े में है ना सूखा सूखा सा मसाला रहता है, वही मुझे पसंद है। तो भाई, सबके अपनी अपनी एक पसंद होती है, तो बस मुझे तो ये सूखा वाला मसाला पसंद है। नहीं तो बहुत सी जगह क्या होता है ना, थोड़ा गीला गीला मसाला होता है, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला बन के हमारा तैयार हो गया। यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया मैंने। हरा धनिया डालने के बाद में ऐसे ही मैंने थोड़ा चलाया था, उसके बाद फिर थाली में निकाल लूँगी। तो ये मसाला है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसकी गोलियां बना लेंगे हम आलू बड़े के लिए। यहाँ पे देखिए, बेसन घोल रही हूँ, तो बेसन घोलने के लिए एक तपेली में मैंने बेसन ले लिया है। इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा,
और नमक डाल दिया है और बस ये घोल तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स सबको ही आते हैं आलू बड़ा बनाना, तो ऐसा नहीं है कि मैं रेसिपी दे रही हूँ तो बस आता नहीं है तो दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को आता है आलू बड़े बनाना। तो यहाँ पे देखिए घोल हमारा बनके तैयार हो गया है और अब हम इसमें ना वो जो गोलियाँ बनाई थी ना हमने बेसन उसकी आलू की जो गोलियाँ बनाई थी ना ये गोलियाँ बेसन के अंदर डालते जाएंगे और बस आलू बड़े निकालते जाएंगे तेल में से। तो ये देखिए थोड़ी सी रह गई है तो वो भी बना लूँगी, तो सारी गोलियाँ मैं बना लूँगी। और गोलियाँ बनाने के बाद में मैंने यहाँ बेसन में दो दो चार चार इस तरह से गोलियाँ डाल दी है और उसके बाद ये यहाँ से लेकर तेल में डालती जा रही हूँ, तो वो है ना आसानी रहती है एकदम से। तो ये देखिए फ्रेंड्स और अच्छे से बन जाते हैं एकदम गोल गोल से, क्योंकि ये आलू बड़े हैं ना खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं मटर के दाने वाले। तो बस ये देखिए बनाती जा रही हूँ और बस तेल में डालती जा रही हूँ और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे आलू बड़े। तो आपको किस किस को खाने हैं फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए आलू बड़े खाने के लिए, तो बस गर्मा गर्म खा लीजिए, आपके लिए भी बना रही हूँ तो आप भी आ जाइए। तो ये देखिए आलू बड़े हमारे एक बार के तो बन गए, दूसरी बार फिर से मैं ऐसे ही तेल में डालती जा रही हूँ जैसे पहले बनाए थे ना, बस वैसे ही दूसरी बार फिर से बना रही हूँ। और भाई बाहर सर्दी लग रही है, अंदर आलू बड़े बन रहे हैं तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं खाने में। तो ये देखिए सारे ही आलू बड़े बनकर तैयार हो गए हैं मेरे और इतने आलू बड़े बने हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची भी फ्राई कर ली थी तो बस वो भी रख दी है। तो आज की रेसिपी तो हमारी आलू बड़े की ही रहेगी, आलू बड़े की रेसिपी लेकर आई थी मैं। और चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। और आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, जो दोस्त मेरे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ओके बाय बाय।